दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। आज मैं एक खास घटना के साथ आपके बीच में आया हूं, जिसको आप बाइबल में उत्पत्ति नामक किताब में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल में बाइबल ऐप को इंस्टॉल करके इन बातों को आप विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। इस घटना को पढ़ने के पहले मैं कुछ नींव की बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। इस घटना में आप तीन पात्र को देखेंगे। पहला सैतान जो सर्प के रूप में, दूसरा आदम जो कि पहला मनुष्य, और तीसरा हवा जो कि पहला स्त्री। आपके अंदर एक प्रश्न उठता होगा, ये सैतान कौन है? सैतान स्वर्ग में एक सुरदूत था और परमेश्वर की स्तुति करता था। एक दिन वो सोचने लगा, मैं भी परमेश्वर के समान बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा, और वो बलवा करने लगा। उसके अंदर घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। तब से वो नहीं चाहता है कि मनुष्य शांति के साथ रहे। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, उस मनुष्य को गिराने के लिए, उसको पाप कराने के लिए कई प्रकार के बातों से वो मनुष्य को गिराना चाहा। और इस घटना में हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दिया। उसने कहा कि तुम्हें इस एदेन के बगीचा में सब फल खाने के लिए अनुमति है, वरन एक पेड़ जो बीच में है उसके फल को ना छूना और ना खाना। लेकिन हवा जो आदम की पत्नी थी, उसने उस पेड़ के पास गई और उस घटना को हम छठा वचन में हम पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसका छठा वचन। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष के फल खाने में अच्छा और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए जान योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले स्त्री ने उस फल को देखा और कहा, वाह, इस वृक्ष का फल तो खाने के लिए कितना अच्छा है, देखने के लिए मनभाव है और बुद्धि देने के लिए जान योग्य है, और उसे तोड़ा, खाया और अपने पति को भी खिलाया। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने में सबसे पहले दुश्मन या सैतान उसकी आँख के द्वारा पाप कराया। पहले वह देखती है और धीरे धीरे उसके मन को खराब करता है, और उसके बाद सैतान उसके हृदय में काम करता है और वो धीरे उसको तोड़कर खाती है और खिलाती भी है। अनेक बार हम भी कई बातों को जब हम देखते हैं जो गलत है, जो देखने लायक नहीं है, उन बातों को जब हम देखते हैं वो धीरे धीरे हमारे मन को खराब कर देता है। इसलिए जब हम गंदे पिक्चर को देखते हैं और जब हम सोते हैं तो वे उन बातें हमारे मन में चलते रहता है और हमारे मन को खराब कर देता है और अपने हृदय को खराब कर देता है, और धीरे हमारे अंदर में इस प्रकार एक लालसा उत्पन्न होता है, क्यों ना हम घर के देखें। और ना केवल हम घर के देखने के लिए कोशिश करते हैं पर औरों को भी उकसाते हैं। हमारे देश में अगर देखा जाए कितने रेप केसेस को हम देखते हैं, क्या वो डायरेक्ट एक ही दिन में वो रेप करने के लिए उनके अंदर इस प्रकार की गलत भावना पैदा हुई? नहीं, वे पहले गंदे चीजों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे उनके मन खराब होते हैं और फिर वो सोचते हैं क्यों ना हम उसे करें, और ना केवल वे बर्बाद होते हैं लेकिन औरों को भी बर्बाद कर देते हैं। कुछ साल के पहले कुछ जवानों को पकड़ा गया और उनसे पूछा गया
कि कैसे आप लोग ने इस घर को चोरी करने के लिए सोचा और इस प्रकार की मेथड को आपने कैसे अपनाया। तब उन्होंने कहा कि हम लोग ने एक टीवी सीरियल को देखा और वहां पे चोर ने इस प्रकार उस घर में चोरी किया, तो हम लोग भी सोचने लगा कि क्या हम लोग भी इसको ट्राई करें। और उन्होंने ट्राई किया और पकड़ा भी गया। हाँ मेरे प्यारो, शायद आप उस फर्स्ट लेवल में होंगे, आप अपने आंख से गलत चीजों को देख रहे होंगे, या तो आप सेकंड लेवल में होंगे, आप गलत चीजों को देखते भी हैं और उसके मन को भी खराब करने के लिए छोड़ दिए, या आप उस गलत को कर चुके हैं, या आप औरों को भी उठाते हैं। किसी भी लेवल में क्यों ना हो, यह सिर्फ गलत तस्वीरों को या गलत वीडियो को देखने के बारे में सिर्फ नहीं, लेकिन नशीली पदार्थों को भी इस्तेमाल करना, सिगरेट हो, खैनी हो, ड्रग्स हो, शराब, इन सारे बातों को भी आंख के द्वारा ही हम ललचाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बल दे ताकि हम इन बातों से छुटकारा को पा सके, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से हमें छुड़ाता है और हमें सब बंधन से हमें छुड़ाता है। शायद आप सोचते होंगे कि मैं तो चौथा लेवल में हूं भैया, मैं तो ना केवल बर्बाद हुआ लेकिन औरों की भी बर्बाद करता हूं। आप चिंता ना करें, परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है वो आपके जीवन को बदलने का ताकत रखता है और वो आपके जीवन को जरूर बदलेगा। प्रभु आपको आशीष दे।